रुक करते आगे की खबरों का। 10 साल बाद भाजपा में शामिल हुए किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी नाराजगी को दूर किया है। अब बीजेपी में शामिल होते ही किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी को एकजुट करने में जुट गए हैं। वहीं यहां मीणा ने बीजेपी से विपरीत चल रहे घनश्याम तिवारी और हनुमान बेनीवाल को लेकर कहा कि संगठन की मुझ पर जिम्मेदारी है कि मैं संगठन के लिए काम करूं। संगठन के लिए मुझे क्या करना है ये मुझे पता है, तो मैं उन लोगों की नाराजगी बीजेपी से दूर कराने की पूरी कोशिश करूंगा जो लोग फिलहाल बीजेपी से विपरीत चल रहे हैं। हनुमान बेनीवाल जी से ये निर्णय लेने से पहले मैंने चर्चा की थी और उन्होंने सहमति जाहिर की थी। उनकी सहमति जाहिर करने के बाद ही मैंने कदम आगे बढ़ाया। सहमति उनकी ये भी है कि पार्टी में शामिल करेंगे आपको? तिवारी जी नाराज चल रहे हैं। अगर उनकी सहमति ये है कि वो पार्टी में शामिल होंगे तो मैं पूरी ताकत लगा दूंगा उनको पार्टी में शामिल करने के लिए। घनश्याम जी भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मैं संगठन में कोई जिम्मेदारी तो मेरे पास नहीं है, मैं तो साधारण राज्यसभा का सदस्य हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश ये करूँगा जो रूठे हुए हैं, जो पार्टी से बाहर चले गए, कोई कारण हो गए, तो मेरे जितने संपर्क संबंध उनसे हैं संगठन की परमिशन लेकर मैं उनसे बात करूँगा। भाजपा की तरफ से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर बयान दिया है कि राज्यसभा में जाना उनकी कोई शर्त नहीं थी। विधानसभा में पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर मीणा ने कहा कि राजस्थान में तीसरे मोर्चे की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि विधायक नवीन पिलानिया से वो बात करेंगे, साथ ही पार्टी से रूठे हुए भाजपा विधायक घनश्याम तिवारी को भी मनाने का प्रयास वो करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी कहेगी या फिर जिम्मेदारी देगी उसे वो समर्पण की भावना से निभाएंगे।